सीन ये है कि जब आप नॉर्दर्न इंडिया का प्लान कर रहे होते हो तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक ये होती है कि आपके अब्बा नहीं जाने देंगे आपको, और आपके अगर होते हैं तो दोस्त तैयार नहीं होते। सो फॉर सम हाउ सेमेस्टर की ब्रेक खत्म हुई थी, सो आई पिच द आइडिया कि अब्बा मैंने जाना है नहरान फॉर अ डे ट्रिप, सॉरी वन नाइट स्टे, तो अब्बा से चले जाओ। और फॉर द फर्स्ट मोमेंट आई वाज लाइक ओके ही इज अग्रीइंग टू इट, दैट्स गुड। हेलो, हाँ बॉय, नारायण जाने का प्लान है वीकेंड पे फ्राइडे को, तो तेरा कोई इरादा है चलने का? करना पड़ेगा अब से, अगर वो मान जाए तब चलते हैं बस। हाँ बॉय, क्या प्लान है जाने का, इरादा है? सो हमारा फाइनल स्क्वाड फॉर द ट्रिप बॉयज, मैं, मेरे दाया जो कि बहुत चिल हैं, फिजान एंड सलमान। सो इस वक्त 4:30 हो रहे हैं सुबह के, एंड आई जस्ट वोक अप, मैं रात के 2 बजे सोया था, सो सीन इज क्वाइट बैड, और आगे 7 घंटे का रास्ता है को भी उठाना है फिजान को, तो लेट सी के वो उठाया नहीं उठा। हाँ हेलो भाई, 6:30 हो गए हैं, उठ जा, मैं निकल गया हूँ, रास्ते पे हूँ, ठीक है, तो जल्दी उठ और मैं आ रहा हूँ रास्ते। इक्विपमेंट, कैमरा वगैरह भी रेडी है, और मैंने अपना कैमरा भी संभाल लिया है अच्छे बच्चों की तरह, सो नाउ वी गोना हिट द रोड। ये खुली फिजा जाने बेफिक्र हवा जाने, हमको है कहाँ जाना, ये तो रास्ता जाने जाने, अब खुदा जाने आगे होगा क्या जाने। दिल तो है परिंदा आसमां को मांगे, है उमंग जिंदा कैद तोड़ भागे, काबू है निगाहों में दूर दूर राहों में, जाके हमको रहना तो so, हम लोग 4 बजे पहुँचे थे, और सीन ये है कि मेरा कैमरा जूम नहीं हो रहा। सो सीन ये है कि फिजान वो ऑलरेडी बेड के अंदर है, और हेलो पीछे और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, और दूसरा बॉय जो है नहाने गया है, सो हम गोना टेक द बाथ और उसके बाद मिलते हैं। ना कर यार, मेरे गलत आया नहीं, कोई सुनता नहीं क्या। किम कार्डशियन सो रही है, फुल सोने वाला इसने माहौल बनाया हुआ है यार, इसका कट गया है ऐसे मजर की तरह, नहीं कटा करने वाला था, मेरे बचा ही है मेरे तरह कट गया, कल मैंने पूरी रात बैठ के लगाई है कटरे से बचने के लिए, दोबारा मैंने उसको रफू किया, पैचअप किया, बॉय सोने दो यार। ओके तो सीन कुछ ही हुए कि हमने शावर वगैरह ले लिया है, एंड अब हम जाएंगे बाहर एक्सप्लोर करने चीज़ों को, और कार्डशियन सो रही है, एंड दैट्स अबाउट द केस, और रात की भी शाम हो रहे हैं, सो इट्स गेटिंग कूल अ बिट, और मौसम ठीक है, इट्स काइंड ऑफ गुड, सो जाके बाहर देखते हैं कि क्या सीन है। कार्डशियन उठ जा, ओए ओए तू सोने आया है, उठो हम इसको उठा के लेके जा रहे हैं यहाँ से। सो सीन ये है कि नहीं ठंड बहुत है, और इसने मेरा हुडी कोप लिया है, अब हमने ये करना है कि हम आधे रास्ते पे मैं पहनूंगा और आधे रास्ते पे ये पहनेगा,
सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम बीमार ना हो बिकॉज वी आर बर्गर्स. ये नहीं है मैं तो हूँ ना. So it was jam-packed with people और लोग हर जगह भरे हुए थे बट हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया था बिकॉज वी न्यू टिक्के वगैरह के अलावा और तो कुछ था नहीं नारायण में खाने को. सो वी फाइंड अ नाइस कोजी स्पॉट जो अंदर भी था और इतनी ठंड भी नहीं थी मतलब अंदर कम थी. सो हम फिर उतर गए खाना खाने. सब खाने को देख रहे हैं कि उन्होंने क्या मंगवाना है और आप कर ले. नहीं फिर काम करते पता है आप कढ़ाई कर लेंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि कढ़ाई अच्छी नहीं से. हमने खाने में क्या मंगवाया फिर कढ़ाई मंगवाई है. बाद हम लोगों ने बाहर गए ताकि नहीं थोड़ा ना नारायण का बाज़ार एक्सप्लोर करने गए. यार तो नारायण बाज़ार जो था वो बेसिकली इतना कोई लेट नहीं है तो हम अब यहाँ पे अब हम चाय पियेंगे एंड वी गोना एंजॉय द नाइट. चाय पीने गए थे ठीक है तो उसने हमें 40 मिनट हम बैठे रहे ऐसे ही मतलब उसने ऑर्डर ले लिया 40 मिनट के बाद आगे कहता है कि मतलब फैमिली एरिया. भाई 40 मिनट के बाद मारो मुझे मारो. तो फिर हमने अच्छे बच्चों की तरह लेज और अलमारीज की बोटल ली एंड देन इवन जो बालकनी थी ना उसका हमारा व्यू बहुत स्मार्ट था. सो फिर हमने बस वी एंजॉयड द नाइट. 10 कम्स द डे 2 एंड डे 2 इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग सैफल मलुक. सो इट्स अराउंड 8:30 और हम जा रहे हैं ऊपर सैफल मलुक की तरफ एंड देट वुड बी अवर लास्ट पॉइंट. एंड मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया क्योंकि यू नो लास्ट टाइम क्या हुआ था चुग्रहण में और कैडाइशियन जो है वो तैयार हो रही है वो बैठी है एंड यस और दूसरा बॉय जो है सलमान वो भी तैयार होने गया है. सो अब हम जीप पकड़ेंगे और हम जाएंगे उसके बाद. या तो मैंने अपने जाके जीप ली and it costed around 2200 and that was fair enough. हम जीप में बैठे. At first it was so nice, ठीक है. But उसके बाद उस बंदे ने ऐसी गाड़ी चलाई है like यहाँ पे आपकी साइड पे it was like बिल्कुल खाई and उधर हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हो क्या रहा है. तो फुल पैक सीन ऑन था एंड ये सीन था. And that drive, यार मैं चुप यार शट अप यार. सो हम लोग आधे घंटे की ड्राइव के बाद भी रीच सैफल मलुक और बहुत बम्पी राइड थी एंड फाइनल मी गोना स्टे 1.5 घंटा बिकॉज यहाँ पे जीप वाले जो होते हैं वो 1.5 घंटे का टाइम देते हैं एंड आफ्टर दैट वी गोना हेड बैक टू डाउनस्टेयर्स और बस ये सीन है. यू गाइस सी द व्यू. सारी पैकिंग वगैरह हमने कर ली है और कमरे का हमने हॉल वगैरह ये किया हुआ था एंड दैट वाज इट एंड दैट वाज अ नारायण. इट वाज अनएक्सपेक्टेड प्लान बट आई गेस इट वाज गुड. तो बहुत मज़ा आया एंड तो हमने हॉल ये किया. अच्छा भला कमरा हमें मिला था और हमने उसका हॉल ये किया. बॉयज इज वी आर ऑफ. हम जा रहे हैं और या दैट इज़ द केस.